इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और उत्तराखंड से भी एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी रावत पर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। मुख्यमंत्री उपचुनाव लड़ेंगे या हटेंगे, इस पर भी एक सस्पेंस बना हुआ है। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है, अब वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, चुनाव लड़ेंगे या जाएंगे, ये एक संशय है। क्या संशय के बादल कुछ छटे हैं? पूरी कहानी मीनाक्षी को ऐसे समझेंगे कि सितंबर 10 सितंबर से पहले विधायक बनना होगा उत्तराखंड के सीएम नितिन रावत को, क्योंकि वो एक सांसद हैं। वहां पर पिछला एक उपचुनाव हुआ था, वो उपचुनाव वो लड़े नहीं थे। आगे दो उपचुनाव होना है जिनमें से एक गंगोत्री की सीट है, वहां पे वो लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी का तो तीरथ सिंह रावत दिल्ली में है, मुलाकात भी हो रही है। उत्तराखंड के सीएम पर कोई बड़ा फैसला कर सकती है बीजेपी, इसका इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ रावत की क्या सीट जाने वाली है, क्या उत्तराखंड का मुख्यमंत्री एक बार फिर बदला जाएगा, ये एक अहम सवाल है। देवेंद्र इस पर हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देवेंद्र अपना जवाब पूरा करें। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि परसों रात में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह के साथ घर से तीरथ सिंह रावत की मुलाकात हुई थी। उसके बाद कल शाम को उनको उत्तराखंड वापस जाना था कल शाम 4 बजे, लेकिन पार्टी हाईकमान के तरफ से फिर से उन्हें आदेश दिया गया था कि वो दिल्ली में ही रुके। उस समय भी तस्वीर साफ नहीं हुई थी कि जो उपचुनाव वो गंगोत्री से लड़ना चाहते हैं, क्या उपचुनाव होगा, क्या वहां से उपचुनाव लड़ेंगे। और आज अब तक थोड़ी देर पहले बीजेपी उनको बुलावा भेजा गया और 15 मिनट की मुलाकात के बाद वापस तीरथ सिंह रावत निकल गए हैं और दिल्ली में जो उनका संसद आवास है वहां पे हो गए हैं। जाहिर तौर पर उत्तराखंड के सियासी गलियारे में इस बात को लेकर लगातार कि आखिर पार्टी कोई साफ और स्पष्ट बयान क्यों नहीं दे रही है। अभी भी वो भंग की स्थिति बरकरार है कि क्या तीरथ सिंह रावत को उपचुनाव लड़ाया जाएगा 10 सितंबर से पहले उनकी। तो हम केवल इंतजार भर ही कर सकते हैं देवेंद्र, हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा इस पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।